नमस्ते, मैं रेखा मिश्रा अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। अभी संक्रांति आ रही है तो इस संक्रांति पे मैं बनाऊंगी ड्राई फ्रूट की चिक्की। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बनाते हैं। पहले मैं अपनी सामग्री बताऊंगी। मैंने 200 ग्राम चीनी लिया है, 50-50 ग्राम मैंने काजू और बादाम दोनों ही आधा आधा टुकड़ा कर लिया है काट के, थोड़ी सी इलायची 4-5 उसे भी पीस लिया है। गैस चालू कर दी हूँ। दोनों ही साथ में डाल के हमें भूनना है, ज्यादा नहीं, हमें सिर्फ इसको गर्म करना है। गरम कर लिया है मैं सारे काजू और बादाम को, और हमेशा ध्यान रखिए चिक्की बनाने के लिए टुकड़ा टुकड़ा नहीं, आधा एक में से आधा दो दो भाग मैंने किया है। काजू बादाम सब खड़े खड़े ही हैं आधे में। अब मैं इसे निकाल लूंगी। अब मैं ये चीनी कढ़ाई में डालूंगी, गैस को मीडियम करूंगी। अब इसे धीरे 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 मैं चलाती रहूंगी। गैस हमारा मीडियम है, देखिए गैस को हमें मीडियम ही रखना है। धीरे धीरे जब ये गर्म होता जाएगा तो चीनी हमारी पिघलती जाएगी। देखिए धीरे धीरे पिघल रही है, हमें जरा भी न पानी डालना है न घी, कुछ भी हमें नहीं डालना है। मीडियम आंच पे केवल हमें चलाते रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो जल जाएगा। सारी चीनी पिघल गई है, मीडियम आंच पे ही हमें धीरे 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 इसको चलाना रहता है। दो मिनट और उबाल आएगा, फिर मैं ना इसमें हमें सिरा देखना है ना कुछ भी चाशनी देखनी है, बस ये पिघल गया, हमारी चिक्की तैयार हो गई। सिर्फ चलाने में इसे अपना है कि बराबर चलाते रहिए, चीनी लगे नहीं। जब पिघल गई हमारा चिक्की तैयार हो गया। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच इलायची। गैस हमारा एकदम मैंने सिम कर दिया है। मैंने तो काजू बादाम डाला है, आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है वो डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं। हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी काजू बादाम जो मैंने पीस भूज के रखा था। गैस को बंद कर थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर मैं इसे तुरंत इसे जमाने के लिए रखूंगी। ठंडा हो गया है हमारा, थोड़ा इतना नहीं ठंडा हुआ, हाथ नहीं लगाने का। अब मैंने एक या तो थाली में फैलाई है या तो मैंने ये एक बोर्ड लिया है और उसके ऊपर मैंने बटर पेपर फैला दी हूँ, और इसी कुकर में इसे बेलूंगी। इसे अच्छे से फैला दूंगी, फिर उसके बाद बेलन से मैं इसे बेल दूंगी। हाथ आराम से इसे करने का। इसे बेल लिया है मैंने, ये देखिए। अब मैं इसे पिज्जा कटर से या चाकू से किसी भी चीज से थोड़ा थोड़ा गरम ही हमें काटना है। सूख गया है हमारा चिक्की, मैंने काटा था, मुझे कुछ भी नहीं करना है। कितना कड़क चिक्की हमारी तैयार हो गई है, ये देखिए इस तरह से गरम गरम इसे काट दीजिए।
फिर छुड़ाने और काटने के जैसा पीस चाहिए वैसा हम इसे काट सकते हैं। बन गए हमारे चिक्की काजू बादाम के, कितने सुंदर मस्त कलर आए हैं, जरा भी चिपचिपा नहीं है। आप भी बनाइए, खाइए इस संक्रांति पे, और अपना अनुभव हमारे कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जल्द लौटूंगी किसी नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।